देश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। बाहुबली धनंजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मंगलवार शाम को बैठक की और फिर मंच से अपने भाषण में लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह आखिरकार ये तय कर चुके हैं कि उन्हें लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का समर्थन करना है। जौनपुर के सिकरारा इलाके के एक इंटर कॉलेज कैंपस में पूर्व सांसद ने समर्थकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया था, जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने पर सहमति बनी। इसके बाद जनता के बीच एक सभा करके धनंजय सिंह ने कहा कि तटस्थ नहीं रह सकते, किसी के साथ तो जाना ही होगा। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं, हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। जौनपुर के सांसद रह चुके धनंजय सिंह ने ये घोषणा ऐसे समय में की है, जबकि एक दिन बाद ही 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां जनसभा को संबोधित करने के लिए आने वाले हैं। पूर्व सांसद का बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बहुजन समाज पार्टी ने जौनपुर सीट से उम्मीदवार बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट काट दिया था और उनकी जगह श्याम सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था। पूर्व सांसद धनंजय सिंह कुछ दिनों पहले ही बरेली जेल से रिहा हुए थे। 1 मई को जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मेरी पत्नी बसपा के टिकट पर जौनपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं, मैं सीधा वहीं जाऊंगा और उनके लिए प्रचार करूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद बसपा ने उनका टिकट काट दिया। अब उन्होंने अपना समर्थन बीजेपी को देने का ऐलान किया है। धनंजय सिंह अपहरण और जबरन वसूली मामले में जेल गए थे। बाद में उन्हें जौनपुर से बरेली की सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया। हालांकि उसी दिन उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत भी मिल गई। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद धनंजय सिंह को बरेली सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया था। कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई है, जिसकी वजह से वो खुद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सियासी उठापटक के बीच हॉट सीट बन चुकी जौनपुर लोकसभा सीट पर हलचल तब उफान पर पहुंच गई थी, जब श्रीकला रेड्डी के टिकट कटने की खबर सामने आई थी। श्रीकला रेड्डी का टिकट नामांकन के अंतिम दिन काटा गया था और यहां से बसपा ने अपने उम्मीदवार श्याम सिंह यादव का नाम घोषित कर दिया था। बीएसपी नेताओं ने दावा किया था कि श्रीकला रेड्डी ने खुद अपना टिकट वापस लिया है, जबकि धनंजय सिंह ने इससे इनकार किया था और दावा किया था कि उनका टिकट काटा गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि धनंजय सिंह का बीजेपी को समर्थन यहां से किस पार्टी को जीत दिलाता है। जौनपुर में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।